हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बैंगल बनाने वाली हूँ और बहुत ही खूबसूरत बैंगल बनेगा। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो ऑलरेडी बैंगल ही है, तो हाँ जी, ये दूसरे तरह से बैंगल बनाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा दिखने में। तो चलिए, इसको बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए वो रख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बैंगल को ग्लू की हेल्प से पहले उसको ज्वाइंट कर ली थी, और मेरे पास ये साड़ी का जो फैब्रिक था, क्योंकि मैं मैचिंग बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं साड़ी का जो कपड़ा था ना, मैं उसको थोड़ा कट कर ली। और जो बैंगल मैं ज्वाइंट की थी उसमें मैं ग्लू की हेल्प से इसको चिपका रही थी। धीरे धीरे करके मैं पूरे बैंगल में इसको घुमा घुमा के मैं चिपका दूंगी। और सेम इसी तरह मैं चार पीस में बनाई हूँ, तो इस तरह का देख लीजिए। अब इसमें मैं ये स्टोन है, इसको मैं ग्लू की हेल्प से इसको भी मैं ऊपर की ओर मैं चिपकाऊँगी। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। बस वो जो क्लोथ था ना, वो मेरा क्या था कि थोड़ा मतलब धागा निकलने वाला टाइप, तो मैं साइड साइड से थोड़ा सिलाई कर दी थी। तो चलिए, मेरा ये तो चारों मेरा कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं दूसरे बैंगल की ओर। तो इसको भी मैं ग्लू की हेल्प से चिपका ली थी। तो यहाँ पे मैं टोटल तीन बैंगल को चिपकाई हूँ। तो मैं ये धागा को ऐसे कट करके निकाल ली थी, और ऐसे मैं फोल्ड करते करते मैं इसको पूरे बैंगल में सेम उसी प्रोसेस से मैं करूँगी। और मेरे पास ऐसा स्टोन थे, तो मैं सोची चलो इसी से कुछ कलाकारी किया जाए। तो मेरे को कुछ आइडिया तो आ नहीं रहा था, फिर मैं सोची चलो इस तरह से पैटर्न बनाते हैं। और इसको भी ग्लू की हेल्प से मैं सेम चिपका रही हूँ। वैसे ही करके मैं ना सेम प्रोसेस करके मैं पूरे चारों ओर ऐसे ही चिपका लूँगी। तो फिर और बीच में जो जगह मेरा खाली था उसमें भी इस तरह का मेरे पास स्टोन थे, वो भी मैं इस पर चिपका दूँगी। और फिर मैं ये रैम स्टोन होते हैं ना, उसको मैं साइड साइड में ऐसे बॉर्डर देने के लिए मैं चिपका, क्योंकि ऐसे ही ना थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोची चलो इसको थोड़ा भर देते, क्योंकि ये तो सेंटर पे रहेगा, तो सेंटर में थोड़ा हेवी होने से ना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जितना देखी हूँ उस हिसाब से। तो मैं उसी तरह करते मैं सारे में ऐसे ही प्रोसेस करके मैं चिपका दूँगी। आप लोग कंटिन्यू रहिए मेरे वीडियो में, बहुत ही खूबसूरत बैंगल बना। मेरे को लग नहीं रहा था यार कि मतलब इतना अच्छा बैंगल ये बन के आएगा, पर थैंक गॉड ये अच्छा बना। क्योंकि पता है लास्ट टाइम पे मैं इसको बना रही थी, कल मैं पूरे कितना 1:30-2 बजे मैं सोई हूँ इसको कंप्लीट करने के चक्कर में। फिर वो बैंगल तो जो मोटे थे वो तो मेरा कंप्लीट हो गया। तो उसी तरह से मैं दो बैंगल को ज्वाइंट करके इसे थ्रेड में लपेटी थी, तो उसको भी मैं इसी कलर में बनाई थी। तो इसको भी मैं इस तरह से बना रही हूँ अलग डिज़ाइन देके, ताकि एक डिज़ाइन अच्छा खिल के आए और मतलब मैच भी करे करके। आप लोग फाइनल लुक देखोगे तो भाई क्या ही बोले, तारीफ मेरे से हो इतना निकल रहा है ना, बता नहीं सकते। तो ये मेरा एक सेट बन चुका था। तो अब मैं गोल्डन कलर का भी मैं थ्रेड ऐसे बना ली थी, और सेम मैं वो जो राइमस्टोन होता है उसको मैं ऊपर में ये चिपका दे रही थी। ये सब में ना ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगा, ये जो ब्लू स्काई ब्लू था ना उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगा यार, बहुत पेशेंस चाहिए ये सब चीज़ करने के लिए। तो मैं आप लोग को सेट करके दिखा रही हूँ, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये मेरा पिंक कलर, लाइट पिंक कलर का मैं बैंगल, क्योंकि मेरे साड़ी से यही मैच करेगा, उस हिसाब से मैं बनाई हूँ। तो मैं देखिए आप लोग को रख के दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है यार ये बैंगल। वाह, मज़ा ही आ गया, मतलब लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ टैलेंट है। अरे यार, अब मैं ही कितना खुद का तारीफ करूँ। आप लोग भी थोड़ा कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, आप लोग देखो। और मैं आप लोग को पहन के भी दिखा रही हूँ पूरा लुक के साथ, साड़ी के साथ, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग देखो, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।